अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमजान अल सारे वाह भेड़े करते लोगों ने कहा रोजा रख के तो लहजा ही चेंज हो गया अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दो दोस्त। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं, रोज़े रख रहे हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं और फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। बस टाइम नहीं मिला हमें भी, तो आज टाइम मिला वीडियो बनाने का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी और सबका। और आज हम आए हैं इधर एक गांव में, तो गंदम लेनी थी हमने। सीज़न आ गया है तो अचानक से प्रोग्राम बना। मैं तो बाहर गया हुआ था काम से, तो जब घर आया तो अचानक से प्रोग्राम बना और फिर हम यहां आ गए। तो गांव में है ये माहौल गांव का, ये देख सकते हैं पुरसकून माहौल। ये तो अब देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बताते हैं आपको कि कैसी है गंदम। और अभी देखने आए हैं, अगर पसंद आ गई तो ले भी लेंगे इंशाल्लाह। और लेने के बाद भी बहुत काम है अभी, और लेने के बाद भी बहुत से काम है। और फिर इतनी दूर लेके जाना, और ऊपर से हमारा रोज़ा भी है, और जिस तरह के रोड्स थे यहाँ तक आने के लिए तो रोज़ा हमारा डबल हो गया है तो इंशाल्लाह सही। ठंडा का यार नीचे पानी है, ठंडक सही है, थले पानी है ना। और सारे रोड की हालत भी देख लें भाई, ये हालात थे इसके। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं गंदम देखने। चुपचाप रुको, आप तो आगे आगे भागे जा रहे हो। ये हमने इतनी सारी गंदम खरीद ली है, ये देखिए ये एक दिन की रोटी का इंतजाम हो गया है। ये देखें जी गंदम। अभी आतिफ साहब की तबीयत फुल ख़राब हो गई है गंदम देखने की वजह से। रोज़ा रख के आए थे, और अभी हमारा सफ़र
काफ़ी है, काफ़ी है। अभी निकले हैं, जैसा सफ़र है वो भी हमने तय करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब तो बस वही पड़ी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।